नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई और बीजेपी के घमासान मचा हुआ, भगदड़ मची हुई है। हम दूसरे ऐसे एक प्रत्याशी से बातचीत करवाए जो भावी प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने भी बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सतीश खोला रिवाड़ी से, सशक्त उम्मीदवार, पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे ये, और बीजेपी के कई अच्छे खासे पदों पे ये आसीन रहे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष के ऊपर के, वो फिलहाल ही बीजेपी की पार्टी से अच्छे खासे पदों पे सुशोभित कर रहे थे और लोगों के काम अच्छे खासे आते और मिलनसार व्यक्ति हैं। डॉक्टर सतीश खोला हमारे साथ रिवाड़ी से खास बातचीत में, और इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि निर्दलीय तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे साथ खास बातचीत में। खोला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी 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 मुन्ना भाई, नमस्कार, आपको धन्यवाद। जी जी सतीश खोला जी, आपको बड़ी आस थी टिकट मिलेगी और पूरे पूरे आप लगन के साथ काम कर रहे थे और अभी भी शायद ही किसी बीजेपी के बड़े पद पे आसीन थे आप, और पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे, चाहे वो मंजू यादव हो, चाहे आप हो, चाहे वो मुकेश कापड़ीवास हो, ये कई ऐसे प्रत्याशी थे जो टिकट की आस में थे, उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा रहा था। आपने ऐलान कर दिया, सुबह मीटिंग बुलाई आपने, सुबह मीटिंग कार्यालय में पहुंचे, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्यों, क्या दुख रहा, क्या वजह रही, पार्टी को छोड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई जी, मैंने पिछले 10 साल से अपने कार्यालय से 1 लाख से ज्यादा परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। पूरे हरियाणा में सरकार की योजनाओं को लागू करने में मेरा कार्यालय सर्वप्रथम रहा, और मेरे जैसे धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अगर चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाती है, अब यहाँ पर जो प्रत्याशी दिए हैं वो कोसली से भेजे हुए हैं। अगर वो इतने अच्छे उम्मीदवार होते तो कोसली से चुनाव लड़ाया जाता, उनको रिवाड़ी क्यों दिया उनको? तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मुझे को बहुत ज्यादा इसमें गिला शिकवा उसकी जरूरत नहीं है, मेरी तैयारी थी। मैंने पूरे 250 बूथों पर काम किया हुआ है, सभी पर अलग अलग तरीके से मैंने लोगों को जोड़ा हुआ है और मेरी पूरी तैयारी है। मैंने पहले भी पार्टी को कहा था कि मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, निवेदन जहां जहां भी मैं कर सकता था मैंने किया। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, पार्टी का सेवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, पार्टी का व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, और जब फैमिली आईडी विभाग में सबसे बड़ी दिक्कतें जब आई, जब पूरा हरियाणा तराई तराई मचा रहा था फैमिली आईडी का, उस समय मुझे फैमिली आईडी को ठीक करने का काम दिया, और आज 80% से ज्यादा फैमिली आईडी पिछले 11-12 महीने में हमने ठीक करके दी। तो पार्टी ने जो काम दिया हमने करने का प्रयास किया, अपनी तरफ से उत्तम करने का प्रयास किया। जी सतीश खोला जी, पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, कई पदों पे अच्छे अच्छे पदों पे रहे हैं आप, पार्टी को खून पसीने से सींचते आ रहे हैं, पिछली बार भी आप सशक्त टिकटार्थी थे, अब की बार बिल्कुल आश्वस्त थे आप शुरू से ही, अब टिकट सतीश खोला को मिलेगी डॉक्टर को, और वो चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे, पूरी उम्मीद लगाए हुए थे, पिछली बार आपकी टिकट कटी, तो अब की बार आपको ऐसा लग रहा था एंड मौके पे आके यानी कि आपको दरकिनार कर दिया जाएगा और किसी भारी कैंडिडेट को लाके पार्टी को कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये जरूर पार्टी को गुमराह किया गया है, किसने किया कैसे किया वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैंने अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कई सालों से, और रही बात पार्टी में मान सम्मान की, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष जब बनाया था जब कोई पार्टी की सदस्यता लेना नहीं चाहता था। मोदी जी की रैली, पहली रैली जो पूर्व सैनिक रैली रिवाड़ी में हुई, मेरी अध्यक्षता में हुई, जिसमें पार्टी का जिला अध्यक्ष था, उस पूरी रैली की सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी, जब कोई कहीं भी बीजेपी का नाम लेवा नहीं था। मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और रही बात पार्टी की मान सम्मान की, पार्टी ने जो मुझे दिया वो तो अब आपके सामने है कि जब फसल पक कर के तैयार होगी तो वो किसी और को दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सतीश खोला जी, आपकी नजर में रिवाड़ी के अलावा पूरे हरियाणा की बातचीत करें, आपकी तरह ही लोग कहीं ना कहीं भगदड़ से मची हुई है पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में, और लोग धड़ाधड़ विधायक, पूर्व विधायक, आप जैसे बहुत बड़े बड़े पदों के
तो बीच में कार्यरत थे, फिलहाल काम कर रहे थे, वो छोड़ छोड़ के रिजाइन करके जा रहे हैं। रात को 12-1 बजे तक अब भी समय है। तो क्या लगता है बीजेपी में कहीं ना कहीं अब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी एक मनसूबा पाले हुए हम सरकार बना पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इस बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी और उस तैयारी पर पार्टी ने मान सम्मान नहीं किया, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मुझे पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं। सतीश जी, चलते चलते एक बात वो पूछना चाहेंगे, आपको लगता है आपकी टिकट, आप आश्वस्त थे शुरू से ही सतीश कोला को टिकट मिलने वाली है, लेकिन ऐन मौके पर टिकट करना, कहने की आपको लगता है किसी बड़े नेता का कहने की आपके टिकट पे कैसे चलाने का पूरा पूरा मतलब हाथ उनका रहा है ऊपर? देखिए, मैंने काम किया है, मैं पूरे हरियाणा का अकेला ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो अपनी विधानसभा के सभी बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, सभी लाभार्थियों को, सभी सरकार से मिली हुई योजनाओं को लोगों के साथ कनेक्ट किया हुआ। 93,680 परिवारों को मेरे कार्यालय से लाभ दिया गया और वो लाभ पार्टी और सरकार को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। तो ऐसा क्यों अन्याय किया गया? अगर जमीन स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अगर मान सम्मान पार्टी नहीं देती है टिकट, क्योंकि अगर मेरे को टिकट नहीं तो फिर पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है? तो फिर तो कोई क्यों कोई काम करेगा? कोई भी सरकार, पार्टी जो सरकारें बनाती है योजनाएं लागू करती है, और उन योजनाओं को अगर सही वास्तविक रूप से धरातल पर किसी ने उतारा है तो मैं अकेला कार्यकर्ता हूँ, और अगर पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी अवॉइड करती है तो इसमें। डॉक्टर सतीश खोला जी, आपको अपेक्षा थी एकदम अचानक ऐसा कोई नाम आएगा कोई बाहरी कैंडिडेट का, लक्ष्मण सिंह का, ऐसे का आपने कुछ अनुमान लगाया हुआ था पहले से कुछ ऐसा? मेरा कोई अनुमान नहीं था। मैं जिन भी कार्यकर्ताओं के पास गया, मैं पार्टी के हर सर्वे में नंबर एक पर हूँ, चाहे वो मंडल स्तर की सर्वे है, चाहे जिला स्तर की सर्वे है, चाहे स्टेट लेवल की सर्वे है, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सर्वे है, चाहे पार्टी ने अनेकों जो सर्वे एजेंसियां हायर की हुई थी, सभी एजेंसियों की सर्वे में मैं एक नंबर पर हूँ, तो मुझे क्यों दरकिनार किया गया? इसका मतलब कार्यकर्ता का मान सम्मान कहाँ है? जो जमीनी स्तर पर काम करके बिना किसी की सिफारिश पे सर्वे में नंबर एक पर आता है उसको टिकट नहीं दी जाती है, तो फिर ये तो सबके सामने है। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक मेरा सवाल रहेगा, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी दल से चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय, एक दो रोज में कोई बड़ी घोषणा किसी पार्टी के साथ जाके कर सकते हैं या फिर निर्दलीय रहेंगे? मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा जी, और जीतने के बाद फिर देखेंगे जी। थैंक यू बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 12 बजे हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आई बातचीत की, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी भाई, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सतीश खोला रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बने हुए थे, और ये कहीं ना कहीं ये भी आहत हैं और दुखी हैं, और इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कल कार्यकर्ताओं के अपने निवास स्थान पे एक मीटिंग बुलाई है बहुत बड़ी, और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और इन्होंने कहा है हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी दल में नहीं जाएंगे, किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और इन्होंने कहा कि हमारी कल्पना से परे कहीं ना कहीं पार्टी ने जो ऐलान किया है लक्ष्मण सिंह यादव को लेके यहाँ एकदम अचानक उतारा है रिवाड़ी से, तो एक कल्पना से परे था, तो ऐसी पार्टी में हम रहने का कोई फायदा नहीं है। जिनको पार्टी में मान सम्मान ना मिले, जो कार्यकर्ता, इन्होंने कहा कि हमने पार्टी ने मान सम्मान हमें आज तक कुछ नहीं दिया, बल्कि हम उस समय पार्टी के साथ लगे थे जिस समय पार्टी का ना डंडा ना झंडा कोई उठाने वाला था, आज तक हम खून पसीने सींच के पार्टी को यहाँ तक लेके आए थे, और पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, अब की बार बिल्कुल आश्वस्त थे टिकट को लेके, तो इन्होंने भी बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, और बीजेपी पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये रिवाड़ी से कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं डॉक्टर सतीश खोला। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।